Hello, good evening students. This is the next question given on the screen. Kya raha hai? A body moves from point A to B under the action of varying force in magnitude as shown in figure. Then the work done. अब देखो बहुत easy है. ये force है, ये displacement है. आप ही याद कर लो कि force और displacement graph का जो area है वो आपको देता है work done. क्या देता है? Work done. तो W simply किसके बराबर हो जाएगा? Area of this graph. अब सुन लो, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो जो अपर वाला हाफ है ये सब पॉजिटिव होंगे, इन सबको ऐड करना है, और जो लोअर हाफ है नेगेटिव है इसको सब्ट्रैक्ट करना है. निकाल लो, बहुत ईजी है. पहले अपन ये दिया एरिया निकालते हैं 1 से 2, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1, 1 रेक्टेंगल है ये, मैं सीधे बता रहा हूँ, ठीक है. और ये हाइट कितना हो गया 10, तो सबसे पहले एरिया आ गया 10 प्लस. अगला आपका ध्यान से देखो, ये 2 से 3 ये ट्रेपेजियम है, ये एक पैरल साइड ये वाला हो गया पी से लेकर 2 तक, दूसरा हो गया क्यू से लेकर 3, ये दोनों पैरल साइड है. और ये जो आपका 2 से 3 है ये आपका हाइट है, तो हाइट कितना हो गया 3 माइनस 2 1. क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरल साइड. ये पी तक कितना है 10 प्लस दूसरा पैरल साइड 15 इंटू हाइट कितना है 1. 10 प्लस 15 हो गया 25, ये आ गया 25/2 प्लस लास्ट एरिया कौन सा बचा? ट्राइंगल Q3 4, ये वाला ट्राइंगल. तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना हो गया 4 माइनस 3 1, हाइट कितना है 15, तो हाफ ऑफ 15 इंटू 1 आएगा 15, ये पूरा ऐड हो गया माइनस. अब इस वाले में आ जाओ, RB5 ये वाला ट्राइंगल, ये बेस कितना हो गया 5 माइनस 4 1, हाइट कितना हो गया 15, तो ये भी आ गया 15, 15 15 कैंसिल, ये खत्म. तो वर्क डन आपका आ गया, दादी चिल्ला रही है, 10 प्लस 25/12 12.5, दैट इज 22.5 जूल इज द राइट आंसर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.